चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, जिसे मैंने बड़े पीसेस में कट किए हैं। इसे हम मैरिनेट करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून क्यूमिन सीड पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 कप कड़। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑयल, ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम आधा घंटा के लिए मैरिनेट होने देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज का ऑनियन चॉप कर लिया है लंबे लंबे, ऐसे हम फ्राई करेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हमारा ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो गया, इसे हम बाहर निकाल देंगे। बाकी ऑनियन इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। ऑनियन फ्राई होकर रेडी हो गया है। ये चिकन बिरयानी के लिए इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। ऑनियन फ्राई से चिकन बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दूसरी तरफ हम पानी बॉयल होने देते हैं, इसमें हम चावल बनाएंगे। मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची, 4 लौंग। इस पानी को हम बॉयल होने देंगे। दूसरी साइड हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून जीरा, मैंने इलायची, दालचीनी और लौंग डाले हैं, 1 मीडियम साइज ऑनियन चॉप्ड, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। नमक हम ऑलरेडी चिकन में और चावल में यूज कर चुके हैं, इसलिए नमक को हम प्याज के अनुसार से ही देंगे। प्याज फ्राई हो गया है, अब इसको स्टेज पर डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। पानी बॉईल हो गया है। अब मैंने बासमती चावल लिया है, इसे मैंने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। यह चावल मैंने 300 ग्राम लिया है, अब इसे बॉईल पानी में डाल देते हैं। इसे हमें बीच बीच में चलाना है और इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है। इस चावल को हम 80% ही पकाएंगे। चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 4 से 5 मिनट ही फ्राई करना है इसे। चिकन हमारा फ्राई हो गया है, इसे हम बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ चावल भी हो गया है, हम देख सकते हैं ये 80% अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसे हम सीव कर लेंगे। सीव करने के लिए मैंने बॉल लिया है, छन्नी लिया है। चावल भी सीव हो गया है, चिकन भी फ्राई हो गया। हम इसे असेंबल करते हैं। एक कढ़ाई लिए हैं, इसी में हम बिरयानी को असेंबल करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, इसे हम फैला लेंगे। आधा चावल हम डाल देंगे नीचे। अब इसके ऊपर डाल देंगे चिकन जिसमें मैंने फ्राई करके रखा है। अब इसमें डाल देंगे पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते, कोरिएंडर लीव्स, और डाल देंगे फ्राई ऑनियन। अब इसके ऊपर डाल देंगे बाकी बचे हुए चावल को। वन टीस्पून डाल देंगे ऑयल जिसमें हमें ऑनियन को फ्राई किया। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। अब बचे हुए फ्राइड ऑनियन को डाल देंगे। अब डाल देंगे पुदीने पत्ते और कोरिएंडर लीव्स। और मैंने 15 से 20 मिनट केसर के धागे दूध में भिगो के रखे थे, इसे भी डाल देंगे हम।
1 चम्मच डाल देंगे चावल पानी। अब बिरयानी पकने के लिए रेडी है, इसे हम कवर कर देंगे। मैंने एक एल्युमिनियम फॉल लिया है, आप इसे आटे को गूंथ के इसे कवर कर सकते हैं। हमें इतना ही कवर करना है कि इसका भाप है जो बाहर नहीं निकले, इसका लीड है जिसे रख देते हैं। अब इसे हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। दूसरी तरफ मैं तावा को भी गर्म कर रही हूँ, हम तावा पर रख के बनाएंगे बिरयानी को। 1 मिनट हो गया है, इस गर्म तावा पे हम इस रख देंगे इस कढ़ाई को और स्लो फ्लेम पर इसे 20 से 25 मिनट तक इसे पकने देंगे। तावा पर बनाने से हमारा जो बिरयानी है जो नीचे बॉटम में नहीं सकता है वो अच्छी तरह से पक जाता है। 20 मिनट हो गया है, इसको फ्लेम को बंद कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देते हैं, उसके बाद कवर हटाएंगे। अब इसका कवर हटाते हैं। वाओ, कितना यम्मी दिख रहा है। अब मेरे स्टाइल में बिरयानी बना के ट्राई करें, आपको बहुत ही यम्मी लगेगा। अब इसे हम सर्व करने लिए निकालते हैं, सिर्फ साइड से इस तरह से निकालेंगे। एक प्लेट ले लेंगे, उसके ऊपर डालेंगे। चिकन बिरयानी सर्व करने के लिए रेडी है, आप अपने घर पे बनाएं और फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो दिए गए लिंक पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा।